अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। MM Academy ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए आने वाले हैं, और ये कोर्सेस हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और MM Academy ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों का जबरदस्त कोट बोली गई है कि अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप व्हेन ही कांट। एक चैंपियन वही है जो तब उठता है जब वो उठ नहीं सकता है, और यहीं पर आधे ज्यादा लोग जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आधे ज़्यादा लोग जो है वो ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उठना पसंद नहीं करते हैं। एक बार अगर वो गिर गए तो उन्हें वो कंफर्ट जोन लगता है, उन्हें लगता है कि यार यही तो अच्छा है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, अच्छे ज़िंदगी जो है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी कटती है। ज़िंदगी जो है जी कब जाती है? जब आप उठते हो, उठ के खड़े होते हो, उठ के चैलेंज करते हो, और फिर जो आपने ड्रीम देखा था उसे आप अचीव करते हो। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन पता है ना कि जो आगे बढ़ता है, जो उठता है, जो डेयरिंग करता है, जो करेज रखता है, वही अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। इसीलिए UPSC इतनी ऑर्डिनरी अगर होती, इतनी ऑर्डिनरी तरीके से अगर UPSC क्लियर हो जाती तो हर इंसान UPSC क्लियर कर लेता। लेकिन जब उसका रेशियो जो है वो 0.033 तक परसेंट हमें देखने को मिलता है, प्रोबेबिलिटी इतनी कम देखने को मिलती है, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, उसके लिए करेज जो है वो भी उतना ही रखना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत उससे ज्यादा ही करनी पड़ेगी जितना आप सोच रहे हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर 29 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो मिलने वाले हैं, और जो पेमेंट ऑप्शन है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं। उसी के साथ EMI जो ऑप्शन है ये भी अवेलेबल है, तो आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो, और इतने कम प्राइस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिल रहा है, डेमो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो, और उसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो मिलती है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां से एक तो न्यूज़पेपर जो उसकी PDF मिल जाती है, जो न्यूज़पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस उसकी PDF मिल जाती है, उसी के साथ साथ जो PPTs होती है उनकी PDF मिल जाती है, उसी के साथ साथ जो कौन बनेगा IAS सीरीज है जो MM Academy पर आता है। तो अगर यहाँ पर आपने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि देखिए कौन बनेगा IAS सीरीज जो है उसमें हम सभी चीज़ें कवर करते हैं, इंक्लूडिंग PIB, AIR, सारे तरीके क्वेश्चन हम कवर करते हैं MCQ फॉर्म में, है ना। तो ये अगर आप वहाँ पर नहीं देख पा रहे हो तो PDF जो है एटलीस्ट PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आप करंट अफेयर जो है, क्योंकि न्यूज़पेपर ये वाला और जो हम कौन बनेगा IAS सीरीज करते हैं तो ये सफिशियंट है करंट अफेयर्स के लिए। तो फॉलो आप ज़रूर कीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों ही जगहों पर। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। मैप बेस्ड एक्सरसाइज में यहाँ पर ये रीजन कौन सा है ये आपको बताना है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए न्यूज़पेपर पर जाते हैं और न्यूज़पेपर पर एक एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के न्यूज़पेपर में क्या खास न्यूज़ है हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम फ्रंट पेज देखते हैं उसकी फर्स्ट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट न्यू डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी ड्रॉप ऑफसेट्स इन 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ में बेसिकली क्या कहा गया है। अभी देखिए यहाँ पर जो नया डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी है इसने ऑफसेट ड्रॉप कर दिया इन 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल एक्विजिशंस यहाँ पर जो है अपूर्व चंद्र, उन्होंने कहा है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है उसमें यहाँ पर चेंजेस जो है वो हम देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है नॉट टू हैव एन ऑफसेट क्लॉज
जो डिफेंस इक्विपमेंट हम जो प्रोक्योर कर रहे हैं, अगर डील जो है वो इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट के थ्रू हो रही है या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट है और अगर फ्रांस गवर्नमेंट है, तो अगर डील जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है और गवर्नमेंट टू कोई कंपनी नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर जो ऑफसेट क्लॉज है उसको यहाँ पर निकाल देना है, उसमें यहाँ पर नहीं रहेगा, ऑफसेट क्लॉज नहीं रहेगा। अब ऑफसेट क्लॉज होता क्या है, अब क्या हो रहा है कि देखिए, यहाँ पर एक कोई समझ लीजिए डसॉल्ट कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया जो है वो क्या कर रही है, डसॉल्ट से कुछ फाइटर प्लेन खरीद रही है, ठीक है, फाइटर जेट्स खरीद रही है। अब ये जो फाइटर जेट्स है ये खरीदने के लिए अगर उनको 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ये किसको दे रही है, फ्रांस को दे रही है, हम फ्रांस समझ लेते हैं ना, सीधा फ्रांस को दे रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि इसका आधा जो हिस्सा है वो आप इंडिया में इन्वेस्ट करो या फिर इंडिया में वो जो टेक्नोलॉजी है वो आप प्रोवाइड करो, जिससे कि इंडियन मार्केट जो है वो भी फ्लरिश्ड हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में ये जो 50,000 करोड़ हम दे रहे हैं उसमें से जा कितने रहे हैं, 25,000 करोड़ ही जा रहे हैं, है ना, एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो पूरा जो सिनारियो है इसके लिए सेपरेट वीडियो जो है चैनल पर वो भी अवेलेबल है कि क्या हुआ था, है ना, अंबानी के बारे में जो चीज़ें चल रही थी तो वो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर आधा जा रहा है, आधा जो है वो हमारे तरफ फिर से आ रहा है, FDI के रूप में बोलिए या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसके रूप में बोलिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में बोलिए। ऑफसेट क्लॉज रिक्वायर्स फॉरेन वेंडर, वो यहाँ पर कुछ पार्ट जो होता है तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा FDI जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 36 रेफल फाइटर जेट जो है उसकी डील हुई यहाँ पर, है ना, और वो किस तरीके से हुई, फ्रेंच गवर्नमेंट जो है उनके साथ हुई, जिसमें 50% ऑफसेट क्लॉज जो है वो हमें देखने को मिला। अगर आपको याद होगा 50% ऑफसेट क्लॉज, यही चीज़ मैंने उस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है जब भी इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर नई पॉलिसी जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। नई पॉलिसी के तहत क्या है, ऑफसेट क्लॉज जो है यहाँ पर रिवाइज की गई है, जिसके तहत यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर रहने वाला है, मैन्युफैक्चर कंप्लीट डिफेंस प्रोडक्ट को दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चर जो है वो किसको प्रेफरेंस दिया जाने वाला है, कंप्लीट डिफेंस प्रोडक्ट को, ना कि किसी कंपोनेंट को या फिर वेरियस मल्टीप्लायर को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब कैसा था कि आपको अगर किसी कंपनी के साथ आपने अगर डील किया है, ठीक है, तो ऑफसेट क्लॉज के तहत आप क्या बोल रहे हो कि कुछ हिस्से जो है वो आप यहाँ पर बनाओ। मतलब अगर समझ लीजिए शेयर है, तो शेर की पूंछ जो है ये यहाँ पर आप इंडिया में बनाओ, या फिर शेर का जो दो पैर रहेंगे पीछे के वो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, बाकी आप आपके कंट्री में जो है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब पूरा जो प्रोडक्ट है वही आप यहाँ पर बनाओ, तभी तो ये मेक इन इंडिया जो है वो कहलाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसमें रिविजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइना देखो तो चाइना करता क्या है, चाइना के अंदर जो भी कंपनी जाने की कोशिश करती है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग लेता है कि भैया हमको टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कर दो, टेक्नोलॉजी हमको दे दो, और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर वो उसी का रेप्लिका जो है वो बना देता है और फिर इनको जो है वो बाहर खदेड़ देता है। इस तरीके चाइना जो है पॉलिसी अपनाता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कंट्री जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती नहीं, बहुत सारी कंपनी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती नहीं है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ एक नया चैप्टर जो है लीजिंग का वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब क्या है, यहाँ पर लीजिंग जो है एसेट एक्विजिशन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मतलब क्या है कि हम यहाँ पर परचेस नहीं बल्कि लीजिंग कर देंगे, लीज करेंगे। मतलब क्या है, आर्म फोर्सेस जो है अब उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो कोई भी इक्विपमेंट जो है लीज कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। इससे क्या होगा, इससे अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। अपफ्रंट कॉस्ट बट ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, खरीदने में और लीज करने में काफ़ी मतलब डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम सेकेंड न्यूज़ देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट नॉमिनीज येट RBI मॉनिटरी पैनल मिट पुट ऑफ। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने जो बाय मंथली मीटिंग होती है किसकी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनकी मीटिंग हमें देखने को मिलती है, ये होती है बाय मंथली, और ये बाय मंथली मीटिंग जो है इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनेशन होने थे 3 मेंबर्स के वो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो क्या करती है, तो यहाँ पर की इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स करती है।
मतलब कि अगर हम देखें तो हमारा रेपो रेट क्या रहना चाहिए, ये कौन फिक्स करता है? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये फिक्स करती है कि कितना हमारा रेपो रेट रहना चाहिए। बाकी जो रेट्स होते हैं वो सभी रेट्स यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अब अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखें तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उसमें से 3 मेंबर जो है वो आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, 4 ईयर का टेन्योर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कितने लोग थे, तो ये लोग आप देख सकते हो जिनका टेन्योर जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, और एक्सपायर होने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर और 3 मेंबर को नॉमिनेट करना था, मगर गवर्नमेंट यहाँ पर नॉमिनेट नहीं कर पाई है, इस वजह से यहाँ पर जो मीटिंग है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम देखें तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में जैसा मैंने आपको कहा 6 मेंबर्स होते हैं टोटल, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। 3 जो है वो होते हैं आरबीआई की तरफ से इंक्लूडिंग गवर्नर, एंड 3 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट नॉमिनी। अब ये जो 3 मेंबर्स है ये नॉमिनेट नहीं किए गए हैं, इनका टेन्योर कितना, 4 ईयर्स का टेन्योर जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। अब ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ है, तो देखिए जो सेक्शन 45ZB हमें देखने को मिलता है, किसका, आरबीआई एक्ट का, ठीक है, हमारे संविधान का नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, आरबीआई एक्ट का, ठीक है। तो ये इसका 45ZB हमें देखने को मिलता है जिसके तहत इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। हाँ, अब यूपीएससी में ऐसा आपको सेक्शन वगैरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप बैंकिंग की कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें यहाँ पर पूछा जा सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पर 6 मेंबर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और आरबीआई जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं इसके, तो ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, तो आरबीआई के गवर्नर। एक्स ऑफिशियल मतलब क्या है कि जो भी आरबीआई का गवर्नर रहेगा वो इसके चेयरमैन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता रहना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मेजोरिटी वोट से लिए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई भी अगर चीज करना है, जैसे 6 लोग है ना, कोई भी चीज यहाँ पर करना है कि भी हम रेपो रेट जो है उसको एक पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर बाकी लोग जो है वो कंसेंसस के साथ यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आप सभी को पता है किस तरीके से होती है, रेपो रेट जो है वो फिक्स किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमें इसके तहत देखने को मिलता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये क्या है हम इकोनॉमी के सेक्शन में तो देखेंगे ही, लेकिन मोस्टली कैसा होता है कि यहाँ पर आरबीआई है, ठीक है, और यहाँ पर है बैंक। अब बैंक जो है, बैंक में हम लोग मतलब आम इंसान, यहाँ पर आम इंसान जो है वो क्या करता है, पैसे यहाँ पर जमा करता है, मतलब डिपॉजिट करता है, और जो अमीर इंसान है वो क्या करता है, वो यहाँ से लोन उठाता है, ठीक है। अब बैंक जो है उसके पास डिपॉजिट में अगर 100 रुपये आते हैं, लेकिन जो लोन है वो मांगने के लिए 1000 रुपये मांगने के लिए आए हैं, तो बाकी के 900 रुपये जो है वो बैंक कहाँ से लेगी, तो यहाँ से वो आरबीआई से लेती है। अब आरबीआई से जब पैसे ले रही है तो क्या ये फ्री में देगा आरबीआई कि हाँ हाँ भैया दे दो रख लो, नहीं, यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। और आरबीआई अगर बैंक से पैसा लेता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, या फिर बैंक अगर आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। कई बार मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि रेपो रेट कम ज़्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, खासकर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका एक उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल में रखा जाए, उसी के साथ साथ ग्रोथ भी रखे, मतलब 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो इन्फ्लेशन प्लस यहाँ पर ग्रोथ जो है वो भी हो। इन्फ्लेशन कितना रखना है, इन्फ्लेशन रखना पड़ता है 4+-2 का, है ना, और इन्फ्लेशन हम कौन सा देखते हैं, इन्फ्लेशन हम देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। 2 होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब जो कंज्यूमर है उसको किस तरीके से बेचा जा रहा है वो इंडेक्स जो होता है उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। और पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स देखते थे, लेकिन अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसे कंपेयर करते हैं, और वो 4+-2 जो है वो रहना चाहिए, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में चाहिए। एट प्रेजेंट अगर हम देखें 6% ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा जा रहा है। जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा जाए तो फिर जो रेपो रेट है वो कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, रेपो रेट जो है जब भी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है तो रेपो रेट जो है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो अपने आप इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएंगे, बैंक के ब्याज दर बढ़ जाएंगे, बैंक के ब्याज दर बढ़ जाएंगे तो बट ऑब्वियस है क्या होगा कि लोग जो है वो कम खरीदी करेंगे, लोग कम खरीदी करेंगे तो इन्फ्लेशन, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। लेकिन जब इन्फ्लेशन, लोग खरीदते नहीं है तो ग्रोथ जो है वो भी नीचे आती है। अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है कि इन्फ्लेशन तो हाई हो रहा है लेकिन ग्रोथ जो है वो नीचे जा रही है, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, मतलब जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं,
है ना। अब यहाँ पर जो स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है तो इसके तहत यहाँ पर बेसिकली होना क्या चाहिए, क्योंकि रेपो रेट अगर कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो ग्रोथ कम हो जाएगी, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेटिस्फाई करने हैं, इन्फ्लेशन भी कम करना है, ग्रोथ भी करना है। तो ऐसे सिनारियों में होना क्या चाहिए, ऐसे सिनारियों में मोस्टली जो रेपो रेट है उसे स्टैग्नेंट रखा जाता है। अगर आपने देखा होगा लास्ट मीटिंग में स्टैग्नेंट रखा गया था, और उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तो सप्लाई जो है उसे बढ़ा देना चाहिए। सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाता है तो अपने आप यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन सप्लाई अगर बढ़ा दिया जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइजेस जो है वो भी कम हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो इन्फ्लेशन जो है अपने आप कम हो जाएगा, और फिर जो ग्रोथ है उसके लिए आप रेपो रेट जो है वो कम कर सकते हो। तो ये पूरा सिनारियो हमें इकोनॉमी का एकदम शॉर्ट में मैंने आपको एकदम ही लेमन लैंग में शॉर्ट में बताया है। बाकी डिटेल में हम जो एमएम एकेडमी उसके इकोनॉमी लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर दूसरी अगर न्यूज़ देखें तो ये पेज पर और भी कोई न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी और न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो यहाँ पर हाँ सिटी की न्यूज़ भली है, मतलब यहाँ पर डेली एडिशन हम देखते हैं तो सिटी की न्यूज़ भली है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है जिसके बारे में मुझे आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए बेसिकली बोला क्या गया है, टू हेल्ड फॉर डिफेमेटरी कंटेंट ऑन पीएम, ठीक है। मतलब दो जो है गाजियाबाद रेसिडेंट, इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने डिफेमेटरी कंटेंट जो है वो पोस्ट किया अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर फेसबुक पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, तो डिफेमेशन की जा रही है ना। तो डिफेमेशन की जब की जा रही है तो मुझे आपको यहाँ पर जो डिफेमेशन केस होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ भैया पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, पूरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं। यही खास चीज़ है न्यूज़पेपर एनालिसिस की, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जब हम डिफेमेशन लॉ के बारे में बात करते हैं तो डिफेमेशन केस देखिए बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट में चलती रहती है ना, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ हो गया, तो डिफेमेशन केस जो है हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो डिफेमेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो डिफेमेशन है वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों हमें देखने को मिलते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्रिमिनल डिफेमेशन जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें, क्रिमिनल डिफेमेशन जो है स्पेसिफिकली हम देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात किस तरीके से हो रही है। आईपीसी सेक्शन जो हम देखते हैं तो उसका सेक्शन 499 जो है ये यहाँ पर बात करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो स्पेसिफिकली डिफाइन कहा गया गया है सेक्शन 499 जो है आईपीसी का, उसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर हम सिविल डिफेमेशन देखते हैं तो वो टॉर्ट लॉ जो होता है, मतलब समझ लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें क्या सही है क्या गलत है उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिविल यहाँ पर क्रिमिनल जो है उसका आईपीसी सेक्शन 499 आपको ध्यान में रखना है, और ये जो है ये बेसिकली टॉर्ट लॉ जो होता है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब इसमें जो क्रिमिनल डिफेमेशन है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, सेक्शन 499 जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। मतलब अगर आप किसी के अगेंस्ट में किसी को डिफेम करने के लिए, किसी की इज्जत उतारने के लिए, अगर आप यहाँ पर वर्ड्स के थ्रू या बोलकर या फिर किसी साइन के थ्रू भी, है ना, या फिर किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो फिर वहाँ पर वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है, डिफेमेशन जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर आता है सेक्शन 499 हो गया जहाँ पर डिफाइन किया गया है, फिर आता है 500 जहाँ पर पनिशमेंट जो है उसका प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो दी जाती है डिफेमेशन के लिए, मतलब किस तरीके की है, तो यहाँ पर 2 साल की टर्म जो है, 2 साल का यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर फाइन जो है वो दी जा सकती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सिविल केस होता है ना, जो सिविल केस होता है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि क्रिमिनल इसमें तो ठीक है आपने अच्छी खासी उसका ये कर दिया है तो डिफेमेशन सूट जो है वो एक रीजनेबल ये आ जाता है, लेकिन अगर हम सिविल की बात करें तो प्रोबेबिलिटीज़ पर बेस्ड होता है कि भैया कितना यहाँ पर हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिफेमेशन जो उसके बारे में मुझे आपको बताना, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और खासकर जो मिसयूज़ है उसका भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप मद्रास हाईकोर्ट देखो तो उन्होंने हाल ही में अगर आप देखो तो शायद अप्रैल या मई की न्यूज़ थी, अप्रैल या मई की एग्जैक्टली मुझे महीना याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अप्रैल या मई में जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने कहा था कि भैया जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है उसका काफ़ी मिसयूज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है,
उनको यहाँ पर मतलब अलाउड नहीं किया जा सकता है कि वो जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसका मिसयूज यहाँ पर करे, है ना। मतलब कुछ भी हुआ तो भैया आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपको ध्यान में रखना है। आप किसके अगेंस्ट में अगर कुछ सच्चाई बोल रहे हो तो फिर वहाँ पर वो डिफेमेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब नहीं तो फिर यहाँ पर न्यूज़ वाले जो है उनका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही चला जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ कौन सी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, हमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं पढ़नी है, हमें न्यूज़पेपर से नॉलेज लेना है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। न्यूज़पेपर क्या करता है, न्यूज़पेपर सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, नॉलेज हमें खुद लेना पड़ता है। और यही नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर जो वीडियोज़ है वो आपके सामने ला रहा हूँ, है ना। नहीं तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं तो यहाँ पर आपको 10 मिनट में पूरी न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे 15 या 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद नॉलेज जो है वो तो आपको प्रोवाइड करना है ना मुझे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नॉलेज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग जो है पूरा खुला रखिए, सब तरफ से देखिए। यहाँ पर जब हम डिफेमेशन की बात करें तो डिफेमेशन का यूज़ हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि आर्टिकल 19 में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक न्यूज़ हमने, ये एक नॉलेज हमने ले लिया, यहाँ पर डिफेमेशन का नॉलेज हमने ले लिया। उसी के साथ साथ आपको फटाक से याद आना चाहिए कि भैया जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है, जब यहाँ पर मिसयूज की बात हो रही है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो भी तो आना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमें सिविल और क्रिमिनल देखने को मिलता है। अभी प्रशांत भूषण का केस हुआ था, उसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बहुत ज्यादा न्यूज़ में आ गया है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, ये सारे के सारे मैंने जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है कहाँ पर MM Academy ऐप पर उसमें कवर किए हुए हैं। तो MM Academy ऐप पर जो कोर्सेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है वो भी सॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो देखना पड़ता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने कई बार डिस्कस जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक न्यूज़ से देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सारे कितना सारा नॉलेज हमें मिलता है। तो यहाँ पर बाकी अगर हम देखें तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ लेबरर्स, ठीक है, लैक्स डिस्पाइट हाई कोर्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए ये बेसिकली क्या है, तो एवरी स्टेट हैज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मतलब क्या है, नाम ही जैसे बता रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर की यहाँ पर बात हो रही है ना। उनका वेलफेयर कैसा होगा, तो जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती है अलग अलग, वो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पर उसका फायदा जो है वो लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो डिप्राइव्ड रहे हैं वेलफेयर बेनिफिट्स जो यहाँ पर दिए जाते हैं। हालांकि दिल्ली की है, लेकिन यहाँ पर देखिए हर स्टेट में हमें देखने को मिलता है इसी वजह से। और ये न्यूज़ में भी हमें देखने को मिल रहा था, सेस जो है उसके वजह से न्यूज़ में देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो सेस फंड है वेलफेयर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, वो यहाँ पर लाया गया था। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एडवाइजरी जो है वो इशू की थी, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक है। उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की थी कि सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को कि जो सेस फंड है वेलफेयर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वो यहाँ पर इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका बेनिफिट हो जाए। अब यहाँ पर सेस मतलब क्या होता है, सेस जो है ये एक फॉर्म ऑफ टैक्स है। क्या है, सेस जो है एक फॉर्म ऑफ टैक्स है जो लेवी किया जाता है टैक्स के ऊपर, ठीक है। और ये पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप एजुकेशन सेस लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप एजुकेशन सेस लगा रहे हो तो ये जो पैसा कलेक्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन जो है उसी के लिए खर्च होगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसी से रिलेटेड आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि पॉलिटी में मैंने कवर किया हुआ है, जो हमारा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, उसी के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स होता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, है ना। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कौन से इसमें ये जो सेज होते हैं ये जमा होते हैं, या फिर पार्लियामेंट डिसाइड करती है कौन से इसमें ये जमा होते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सेज आपने देख लिया। उसी के साथ साथ दूसरी एक चीज़ ये भी आप मुझे बताइए कि जो सेज होता है और जो सरचार्ज होते हैं, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेज में और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। सरचार्ज जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सर के ऊपर, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो टैक्स है उसके ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है, सेज मतलब अलग से जो लगाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर और क्या डिफरेंस है ये आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। जैसे हमें स्वच्छ भारत सेज देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सेज जो है इसकी बात हो रही है, और सेज यहाँ पर इनके लिए भी लगाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए भी दिया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनको जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाए उसके तहत,
ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली सेज जो है वो बताने के लिए ये वाला न्यूज़ आर्टिकल जो है मैंने आपके लिया है, उसी के साथ हर स्टेट में हमें ये देखने को मिलता है जो बोल्ड है वो, इसके लिए ये आर्टिकल न्यूज़ आर्टिकल मैंने कवर किया है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, यहाँ पर बाकी तो कोई न्यूज़ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रही है। तो नेक्स्ट इस पर जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे जो है आज की जो तारीख है उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो हाई है ऑन द हाइपर टेंशन इंडेक्स। ठीक है, हाइपर टेंशन के मामले में इंडिया जो है वो बहुत लोगों से आगे है, बहुत कंट्रीज से आगे है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर टेंशन, मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मेंटल हेल्थ खासकर जो पेंडेमिक आया है उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है काफ़ी लोगों की। तो इसको एज अ पॉजिटिव नोट की तरह लेकर इस पर जो वर्क है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर एक्सप्रेस इंटरव्यू अगर हम देखें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया है, तो इंटरव्यू में आपको पता है किस तरीके की बातें होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पर जो पूरा पॉलिटिक्स ही है इसलिए यहाँ पर कोई हमारे नॉलेज पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम एक्सप्रेस नेटवर्क देखें तो यहाँ पर भी कोई खास हमें जो न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप एक चीज़ जो है वो रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर प्रेग्नेंट जो वीमेन है उनको यहाँ पर टर्न अवे कर दिया गया हॉस्पिटल से, और जिसके वजह से ट्विंस जो है वो लूज़ कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो खड़ा होता है वो है आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का ये एक मुद्दा जो है यहाँ पर निकलता है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो अधिकार है तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये एक मुद्दा यहाँ से निकल सकता है, तो ये आर्टिकल 21 अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, याद रखिए, और जो MM Academy वहाँ पर तो हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो INS विराट, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। INS विराट जो है रिचेस फाइनल पोर्ट, ठीक है, डिसमेंटल होने के लिए यहाँ पर रेडी है। तो INS विराट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। INS विराट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसे स्क्रैप किया जा रहा है ना, तो INS विराट की अगर हम बात करते हैं तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्ड करता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये हेल्ड करता है INS विराट। ठीक है, विराट कोहली से याद रखना भैया, उसके भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स है, इसने भी यहाँ पर INS विराट जो है इसने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसमें यहाँ पर अपना रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। किसके लिए? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप जो है उसके लिए इसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है, ऑफ द वर्ल्ड, ना कि सिर्फ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो इसने सर्व किया है ब्रिटिश नेवी HMS के तहत। ठीक है, ब्रिटिश नेवी जो है, ब्रिटिश नेवी में एज ए HMS इसके तहत इसने यहाँ पर सर्व किया है फॉर 25 years, 25 सालों तक, नवंबर 1959, ठीक है, से 1984 ये कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसने कई सारे ऑपरेशन जो है उसमें भी पार्ट लिया है। अगर हम विराट जो उसका मेजर ऑपरेशन देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जो ऑपरेशन जुपिटर था, तो सारे वॉर है ना, जैसे इंडिया वॉर पाकिस्तान जो था, इंडिया के पाकिस्तान के साथ वॉर, फिर उसके बाद चाइना के साथ जो वॉर था 1962 का, फिर पाकिस्तान के साथ जो वॉर था 1965 का, फिर उसके बाद 1971 का, उसी के साथ ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन जुपिटर, ये जितनी भी ऑपरेशंस है ये भी सारे ऑपरेशंस ये सब MM Academy पर कवर हो रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ 1965 तक वीडियोज जो है वो अपलोड हो चुके हैं, और उसमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, उसी के साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसी के साथ इंडिया चाइना वॉर, है ना, और उसी के साथ इंडिया पाकिस्तान 1965 का, तो यहाँ तक जितनी वीडियोज है कवर हो चुके हैं, आगे जितनी भी ऑपरेशन है वो सब कवर होंगे। तो इसलिए ये सारे ऑपरेशन को भी जानने के लिए, ये सारे वॉर को भी जानने के लिए आप MM Academy जो है उस पर फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन जुपिटर है 1989 का, ठीक है, श्रीलंकन जो यहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल जो है इसने अदा किया था। यस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव, और रशियन ट्विन रोटर जो है Komov-31, ठीक है, वो भी यहाँ पर ऑपरेट हुए हैं शिप से। और ये डीकमीशन कब की गई थी? डीकमीशन की गई थी 2017 में, 2017 में डीकमीशन की गई थी। कि आपको जो विक्रांत है उसके बारे में बताना है, मतलब जो INS विक्रांत है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन ज़रूर लिखिए, ठीक है, जिसने पाकिस्तान जो वॉर था 1971 का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था।
तो ये चीज आप जरूर लिखिए। और इंडिया अगर हम करंटली देखते हैं तो इंडिया जो है करंटली INS विक्रमादित्य जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम देखें तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो है यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो यहाँ पर जो एक एडिटोरियल देखने को मिल रहा है वो संजय बारू के द्वारा लिखा गया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जो बॉलीवुड है उसके बारे में बात की है। देखिए बॉलीवुड को जो है उनके द्वारा यहाँ पर बॉलीवुड को जिस तरीके से पॉलिटिकल गेन के लिए अटैक किया जा रहा है तो ये यहाँ पर हमारे कल्चर के लिए खतरा है, ऐसा यहाँ पर उनका बोलना है। मतलब बॉलीवुड जो है वो वहाँ पर हेट एंड लव रिलेशनशिप जो है गवर्नमेंट के साथ भी वो चलते रहे हैं, है ना। अगर आप देखो तो इंदिरा गांधी जो है जब इमरजेंसी चल रही थी उस दौरान उन्होंने जो किशोर कुमार है उनके जितने भी गाने हैं वो एयर करने से बैन कर दिए थे। और उसी के साथ बाकी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अलाइंट रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ अलाइंट रहते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ अलाइंट रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन बॉलीवुड पूरे एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करना ये यहाँ पर सही नहीं, और यहाँ पर जो इंडियन कल्चर है उसको यहाँ पर खतरा जो है वो हो सकता है। बेसिकली बॉलीवुड को किस तरीके से अभी ट्रीट किया जा रहा है कि जो डोमिनेटेड है मुस्लिम से, उर्दू से, ये डोमिनेटेड हमें देखने को मिल रहा है ऐसा बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो बॉलीवुड है उसको यहाँ पर अभी चेंज करना पड़ेगा, सोशल पर्सपेक्टिव से चेंज करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर चलती जा रही है ना। तो अगर हम यहाँ पर बॉलीवुड को इस तरीके से अटैक करते हैं तो फिर यहाँ पर मतलब एक इमेज जो है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड एक कल्चरल यूनिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर उस तरीके का रोल जो है वो प्ले करता है, जो है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और नेशनल एसेट है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको हर्ट कर देना, तो ये यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसी इंडिविजुअल के बेसिस पर, तो नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको यहाँ पर हार्म कर सकता है। बाकी नेक्स्ट अगर हम आइडिया स्पेस देखें तो यहाँ पर ट्रेंडिंग टू द नेबरहुड यहाँ पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के जो रिलेशन है नेबरहुड के साथ उसके बारे में बेसिकली ये बात कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो नेबरहुड है, हमारे इमीडिएट जो नेबरहुड है, तो उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, जो सबकॉन्टिनेंट हमारा उसका जो पार्टीशन यहाँ पर हुआ था तो प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हो गया था, क्योंकि जो सबकॉन्टिनेंट है वो रिलीजियस लाइंस पर यहाँ पर जो डिवीजन है वो उसका हमें देखने को मिला था। अब रिलीजन के लाइन पर जब यहाँ पर डिवीजन होगा तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो तो क्रिएट होने ही वाले हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है वो होने ही वाले हैं, राइट फ्रॉम शेयरिंग रिवर वाटर बोलिए, जो माइनॉरिटीज़ है उनके राइट को प्रोटेक्ट करना बोलिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होते ही रहेंगे। दूसरा चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब नेबरहुड के साथ जो हमारा रिलेशन है उसके लिए जो आपदा है, बीच में जो बैरियर्स है उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो सेकेंड चीज़ें हम देखते हैं तो वो है चाइना यहाँ पर काफ़ी करीब आ जाना, मतलब टिबेटन फ्रंटियर जो है उस पर आ जाना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है देखने को मिला कि सीधा यहाँ पर जो चाइना है हमसे कनेक्टेड, इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड तो बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, डायरेक्टली इतनी ज़बरदस्त बाउंड्री उसकी हमारे इसको लग गई है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्शियस चॉइस, जो यहाँ पर डी ग्लोबलाइजेशन, मतलब जब हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था तो मतलब दूसरी जो कंट्रीज है उनकी कंपनीज को यहाँ पर लाना मतलब हमारी सोवरेनिटी को खतरा हो सकता है, इसके लिए इंडिया ने पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रोल जो है वो प्ले किया था, ग्लोबलाइजेशन नहीं किया था, है ना। फिर ग्लोबलाइजेशन हमें कब देखने को मिलता है, जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये फिलोसॉफी अपनाई थी, कब अपनाई थी, 1991 के बाद से जब अपनाई थी, तब उसके बाद से हमने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो है वो किया, लेकिन पहले तो हमारा ये था। अब पहले ऐसा रहने की वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारा रिलेशन जो है फिक्स नहीं हो पाए, हमारा रिलेशन जो है उनके साथ अच्छे नहीं बन पाए, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि दिल्ली जो है उसका मतलब जो पॉलिटिकल एजेंसीज है नेबरहुड में उसके लिए काफ़ी इग्नोरेंस रहा, मतलब हाँ भाई यहाँ पर बन रहा है, अच्छा यहाँ पर हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो काफ़ी निग्लिजेंस हमारा रहा था, हमने इतना ज़्यादा एंगेज खुद को नहीं किया नेबरहुड्स के साथ, या फिर नेबरहुड में जो भी पॉलिटिकल एजेंसीज पनप रही है उनके साथ हमने एंगेज होने की कोशिश नहीं की, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिला। पर बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे नेबरहुड के साथ किस तरीके के रिलेशंस अपनाते हैं, क्योंकि श्रीलंका देखिए उनके साथ भी जो डिस्प्यूट्स है वो चल रहे हैं, और अगर मोस्ट ऑफ द नेबरिंग हम कंट्रीज देखते हैं तो चाइना की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए उसे रोकने के लिए हमें यहाँ पर जो अच्छे कदम है वो यहाँ पर उठाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच जो है वो यहाँ पर UN में दी है, तो इस स्पीच को थोड़ा हम यहाँ पर डिकोड करते हैं और उसी के साथ साथ इस आर्टिकल के तहत जो चीज़ें हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोदी जी है उन्होंने जबरदस्त तरीके की स्पीच जो है वो यूएन में दी है, मतलब यूएन में ही रहकर यूएन के स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करना ये एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर सराहना भी उतनी ही की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कैटेगरीली यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि इंडिया जो है उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है, जो यूएन है उसकी ग्रोथ के लिए उसकी स्ट्रेंथ के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, मगर फिर भी आज उसको जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उससे बाहर आप कैसे रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको बताना है। उसी के साथ जो 5 परमानेंट मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कई बार ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यूएन जब आया था 1945 में है ना, तो वहाँ पर आप अगर देखोगे तो 50 नेशंस ने चार्टर जो है वो साइन किया था, आज 193 मेंबर स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसे अनचेंज रखा गया है, 5 परमानेंट मेंबर्स P5 मेंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे और वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, उनमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है यहाँ पर डिसीजन मेकर्स है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो कब तक वो दूर रखा जाएगा इंडिया जो है, क्योंकि उसने हर तरीके की चीज़ें जो है वो की है। अगर आप देखोगे इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 8th टाइम, क्योंकि क्या होता है 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और बाकी 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं, 2 साल का उनका टेन्योर होता है। तो 8th टाइम यहाँ पर इंडिया जो है वो फिर से नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है 2021 से। अब इंडिया जो है उसने ग्रोथ में सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है यूएन के, लेकिन फिर भी उसको जो परमानेंट मेंबर्स है उसका हिस्सा क्यों नहीं रखा जा रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही कन्फाइंड क्यों रखा जा रहा है। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सुपर पावर बन गया और वो अपने जो कमिटमेंट्स थी उस पर यहाँ पर ठाम रहा, वो जो नॉन प्रोलिफरेशन था मतलब उसने कभी भी उसका गैर उपयोग नहीं किया है ना, मगर फिर भी उसको यहाँ पर दूर रखा जा रहा है। तो ये नहीं किया जाना चाहिए, लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इंडिया में देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर इंडिया जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में दुनिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो उसमें चेंज आने चाहिए। अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो बनाया गया था तो क्या उसका उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल अभी भी है, क्या उसका स्ट्रक्चर जो है क्या उतना ही अभी भी उतना ही इम्पैक्ट जो है वो डालता है? तो ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर खड़े किए हैं और जिस पर सोचने पर अब यूएन जो है वो भी मजबूर हो गया है और इसीलिए अब यहाँ पर जो चेंजेस है वो हो सकता है कि हम यहाँ पर देखें। पाकिस्तान की जो इमरान खान की स्पीच है वो कोई अनसर्टेंटी इस पर चल रही थी तो इसलिए इंडिया जो है वो वहाँ से बाहर निकल कर आ गया, क्योंकि उनका तो अपने इस पर ही चलता है, उनका वोट बैंक क्योंकि अलग रहता है तो इसलिए उनके इस पर चलता है, डेवलपमेंट वगैरह उनके इसमें लास्ट स्टेज में आती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर जब हम देखें तो हमें एक न्यूज़ जो है एक छोटी सी न्यूज़ है जो रीजनल है, लेकिन फिर भी अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए। गैंगस्टर यहाँ पर लॉ जो है वो हमें देखने को मिलता है, गैंगस्टर एक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर गैंगस्टर जो है वो करार किया जा सकता है और अगर एक बार गैंगस्टर जो है वो करार कर देते हैं तो उसके बाद जो पुलिस है उनको अरेस्ट कर सकती है। अब इसमें होता क्या है कि एक कोई गैंग है, गैंगस्टर मतलब क्या है कि उसकी गैंग है, ठीक है, इस गैंग में अगर यहाँ पर इतने सारे लोग हैं अगर इसने भी कोई किया तो पूरी गैंग जो उसके लायबल रहेगी, ठीक है, तो पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर सकती है और जब अरेस्ट करती है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं, है ना, ज़्यादा दिनों तक कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है रिमांड पर 60 डेज के लिए ये जो एक्ट है प्रावधान देता है कि 60 डेज के लिए कर सकते हो। अब इसमें काफ़ी सारे गैंगस्टर एक्ट जो है काफ़ी सारे क्राइम्स कवर करता है, जैसे कि मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, रेप हो गया, रेप अटेम्प्ट्स हो गए, है ना, तो इस तरीके के जितने भी है वो कवर करता है। तो ये चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर यूपी से रिलेटेड हमें एक्ट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्सीडेंट सेक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ट्रम्प जो है ना उसने काफ़ी जो इनकम टैक्स है वो अवॉइड कर दिया है, मतलब खुद जो राष्ट्रपति है टैक्स को अवॉइड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर चीज़ें मिली है, मतलब जो न्यूज़ निकल कर आई है वो इस तरीके की है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने $750 अ ईयर इतना यहाँ पर फेडरल इनकम टैक्स जो है वो पे किया है फर्स्ट 2 ईयर्स उसकी प्रेसिडेंसी में, मतलब 16-17 में। आप सोचिए ₹50,000 टैक्स जो है सिर्फ उसने वहाँ पर पे किया है और उसी के साथ साथ उसने यहाँ पर टैक्स जो है वो इवेड किया है इन 10 ऑफ द प्रीवियस 15 ईयर्स, मतलब 15 साल में से 10 साल तो उसने टैक्स जो है वो इवेड ही कर दिया, उसने पे ही नहीं किया। तब ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इतना बिजनेस है ज़बरदस्त और उसी के साथ साथ
ट्रम्प टावर्स हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उसी के साथ साथ काफी जबरदस्त लैविश लाइफ जो है वो जीता है, तो फिर कैसे यहाँ पर टैक्स इवेजन जो है ये कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए ट्रम्प जो है उसने अबाउट 400 मिलियन लेस इन कंबाइंड फेडरल इनकम टैक्स जो है वो पे किया है, तो आप देख सकते हो कितना कम उसने पे किया है। अगर आप जो बराक ओबामा है वो देखते हैं तो उसने रफली 140 टाइम्स जो है जो ट्रंप ने पे किया है उतना जो बराक ओबामा है उसने पे किया है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो उसने इतना कम पे किया है? तो यहाँ पर क्या उसने बेसिकली ट्रंप ने क्या किया है कि अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसी को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। क्या होता है जब हम टैक्स देते हैं ना, तो उसके लिए टैक्स जो है जो अपने आप भी कटता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टैक्स अपने आप कटते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका उतना टैक्स नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर आपका इनकम टैक्स जो है फाइनल पेमेंट उतना नहीं बन रहा है, टैक्सेबल इनकम उतनी नहीं बन रही है, तो आपको वापस मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से रिफंड जो है काफी ज्यादा लिया है उसने, लॉसेस काफी ज्यादा बताए, और उसने किया क्या है यहाँ पर, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पर्सनल एक्सपेंसेस को भी उसने यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंसेस बता दिए, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि बिजनेस एक्सपेंसेस में पर्सनल भी बता दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उसका हेयर स्टाइलिंग है, ठीक है, जिसको उसने इतने 50,000 रुपए खर्च, वो भी उसने यहाँ पर क्या किया है, खुद के एक्सपेंसेस में बता दिया है, मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस में बता दिया है। तो भैया इतना तो लॉस हो रहा है, और काफी लॉस भी उसने यहाँ पर बताया है। अगर आप देखो गोल्फ कोर्ट है उसका, उसमें उसने काफी ज्यादा लॉस बताए हैं। अगर फीस अगर हम देखें तो उसमें काफी ज्यादा उसने ये कर दिए हैं, कंसल्टेशन फीस जो है काफी हाई उसने यहाँ पर बताई है। तो इस तरीके से जो बिजनेस है उसका हैवी लॉसेस जो है वो उसने शो किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उसने कैसे यहाँ पर टैक्सेस बचाए हैं। तो आप सोचिए एक लीडर जो है वो होता है कि आप मतलब खुद उस तरीके का अगर चीज करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, डोंट बी बॉस, बी अ लीडर। तो ये यहाँ पर जरूरी होता है ना। तो प्रॉब्लम वही होता है, करप्शन उसी तरीके से बढ़ता है, और करप्शन बढ़ता है तो फिर देश की जो अवस्था है वो थोड़ी बिगड़ना डामाडोल होना शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं है ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके का जो न्यूज है वो बाहर निकल कर आई है। तो काफी सारा रिफंड जो है उसने यहाँ पर लिया है। वही अब यहाँ पर फार्म एक्ट एंड फेडरलिज्म, अब आते हैं हम इंडिया पर, फार्म एक्ट और फेडरलिज्म, जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, है ना। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन की गई है कि क्या यहाँ पर सेंटर के पास पावर है कि वो एग्रीकल्चर जो उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फार्म एक्ट एंड फेडरलिज्म। देखिए कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, है ना। हमारे यहाँ पर जो 7 स्केड्यूल है उसमें लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है इसमें एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है, इस पर राज्य सरकारें जो है वो लॉज बना सकती है, इस पर दोनों ही जो है वो यहाँ पर लॉज जो है वो बना सकते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है उसकी एंट्रीज जो है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट का हमने एंट्री 33 देखी थी, जिसके तहत ट्रेड जो है उसके बारे में हमने बात की थी। ट्रेड के तहत यहाँ पर उन्होंने जो अलग अलग लॉज है वो बना रहे हैं ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑथर के द्वारा कुछ और कहा गया है। उन्होंने क्या कहा है, फेडरलिज्म जो है एसेंशियली मतलब होता है सेंटर और स्टेट दोनों के पास ये पावर है। फेडरलिज्म हम यहाँ पर कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें जो 7 स्केड्यूल में लीज देखने को मिलती है उसी के तहत अपलिफ्ट कर रहे हैं, है ना। और उसी के साथ साथ जो केशवानंद भारती केस है, जब से हमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिला है तब से हमें जो फेडरलिज्म है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पार्लियामेंट फेडरलिज्म को हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में अगर हम देखें तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं क्या केंद्र सरकार उस पर लॉज बना सकती है, हाँ बना सकती है, लेकिन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पर ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ले किए हैं। मतलब फॉर समझ लीजिए कि अगर इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम पर कंट्रोल जो है सेंटर का स्टेट पर आ जाता है। उसी के साथ साथ राज्यसभा के पास ये पावर है कि राज्यसभा जो है वो ऑथराइजेशन दे सकता है पार्लियामेंट को कि हाँ भैया आप यहाँ पर जो लॉज है वो बना लीजिए जो स्टेट सब्जेक्ट में दिए गए हैं। अब एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो वो हमें स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट जो है उसमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर ये जो शब्द है ये स्टेट लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। टर्म्स अगर हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो 15 प्लेसेस पर देखने को मिलती है, एंट्री 82, 86, 87, 88। यूनियन लिस्ट में मेंशन करते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द इनकम एंड एसेट्स, है ना।
उसी के साथ साथ स्टेट लिस्ट अगर हम देखते हैं तो एंट्री 14 जो इसमें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर जो उसकी बात की गई है, 28 मार्केट एंड फेयर, 30 एग्रीकल्चर इंडेपनेस, 45 लैंड रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड, 46 टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, 47 एंड 48, ये सारे हमें एंट्रीज देखने को मिलती हैं जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें बातें जो है वो देखने को मिलती है। कॉन्करेंट लिस्ट अगर हम देखें तो 6 जगह मेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तीनों जगहों पर जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड एंट्रीज देखने को मिल रही है। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है, है ना। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री 27 स्टेट लिस्ट में अगर हम देखते हैं, एंट्री 33 अगर हम देखते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट की जो हम बात कर रहे थे, तो एंट्री 33 कल जो मैंने आपको बताया था कॉन्करेंट लिस्ट का, वो यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स जो है वो मेंशन कर रहा है, ट्रेड और कॉमर्स मेंशन कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट, फूड स्टफ जिसमें ऑयल सीड ऑयल ये सब इन्वॉल्व है ना, तब कॉन्करेंट लिस्ट में जो सेंटर है वो भी लॉज बना सकते हैं। और अगर स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के अगर होते हैं तो सेंटर का जो रहेगा वो यहाँ पर प्रिवेल करेगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो फूड स्टफ्स है इनको अगर पूरे एग्रीकल्चर से रिलेट कर देते हैं तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए कमेटी जो अशोक दालवाई जो है उन्होंने यहाँ पर हेड की थी, उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें डाला जाना चाहिए। उसने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि फूड स्टफ जो अंडर एंटर 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, वो यहाँ पर पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करता है कि एग्रीकल्चर मार्केट पर लॉज जो है वो बना सके। ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर जो हमें एंट्री देखी है एंट्री 33, ये एम्पावर नहीं करता है पार्लियामेंट को कि इस बलबूते पर कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट में तो हम एग्रीकल्चर पर लॉज बनाएंगे। May 5, 2015 को नेशनल कमीशन ऑन फार्मर जो है उसने रिकमेंड किया था एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर कोर्ट जो उसमें चैलेंज की जा सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पर, कि यहाँ पर जब जो सेंटर है उनका कोई बनता ही नहीं है तो फिर सेंटर कैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो उससे रिलेटेड लॉज बना रही है, जबकि पूरा जो मसला है ये स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट पर थोप कैसे सकती है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। हालांकि ये जो चीज़ है ये बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी की हुई है, जो यहाँ पर तीन जो लॉज है उसकी हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तीनों लॉज जो डिटेल में मैंने कल के न्यूज़पेपर में आपको एक्सप्लेन किए हुए, अगर कल का न्यूज़पेपर नहीं दिखाया तो इससे मैं बोलता हूँ कि हर न्यूज़पेपर को आप डिटेल में देखिए, पूरा देखिए, हर रोज एक भी दिन मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसके साथ हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो आइए इकोनॉमी जो है ये सेक्शन देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें रिबाउंड हमें यहाँ पर देखने को मिला है काफी खतरनाक तरीके का। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बोरोइंग लिमिट है बैंक की अंडर MSF, ये यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। देखिए MSF क्या होता है, MSF के तहत भी यहाँ पर जो बैंक है वो बोरो कर सकती है, ठीक है, जो RBI है उससे बोरो कर सकती है, जैसे कि रेपो रेट होता है ना, तो रेपो रेट की तरह यहाँ पर बोरो कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। उसी के साथ साथ ये एकदम इमरजेंसी जब होती है उसके लिए होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MSF जो है 2011 के 12 के आसपास जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया था। ये बोरोइंग लिमिट जो यहाँ पर बढ़ा दी गई क्योंकि बैंक जो है उनमें कैश क्रंच हमें देखने को मिल रहा है, लोग जो है वो खुद के पास जो सेविंग्स है वो जमा रख रहे हैं। हमने कल ही देखा था सेविंग जो उसमें काफ़ी हाई जंप हमें देखने को मिला है कि कोविड जैसी सिचुएशन आ रही है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और बाकी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, LAF क्या होता है, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमी के लेक्चर्स में देखने वाले हैं MM Academy ऐप पर। तो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी खास कुछ हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर वगेला जो है टू सक्सीड शर्मा एज ए चेयरपर्सन ऑफ ट्राई, तो ट्राई के चेयरपर्सन जो है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और बाकी अगर हम देखें तो अब स्पोर्ट्स न्यूज़ कोई इम्पॉर्टेंट आता नहीं है। यहाँ पर IPL अगर आप फॉलो करते हो तो उसकी IPL की न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से पूरा न्यूज़पेपर जो है वो हमने कवर किया, पूरा न्यूज़पेपर हमने यहाँ पर देखा और जाना कि न्यूज़पेपर जो है उसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसी तरीके के न्यूज़ जो है इसी तरह न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपका न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो काफ़ी हेल्दी यहाँ पर डिस्कशन जो है वो होता है, तो मज़ा आता है इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ने में। और MM Academy ऐप जो उसको अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप को और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया सर, गॉड गिफ्टेड रहा है, ऐसा लग रहा है मिल गया है।
मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था मेरे को, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो मतलब इतने कम प्राइस में, तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल हु बर्न्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू लाइट अप द अदर्स। So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जियो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो, आपका जो सीधा स्टेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो आप, आपका काम बन गया, बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद आई ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार बोलो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। ये तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकस फोकसिंग, मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर, मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।